अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र में एक 32 वर्षीय शराबी युवक के द्वारा व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग के जरिए परिजनों से लाइव बातचीत करते हुए खुद को तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। क्षेत्र अधिकारी इगलास डॉक्टर जे ही सिंह ने बताया कि थाना गोंडा क्षेत्र अंतर्गत एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या किए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए जांच शुरू करते हुए अज्ञात व्यक्ति के शव को शिनाख्त कराते हुए पहचान कराई गई। तो पहचान होने पर पता चला कि मृतक व्यक्ति मथुरा जिले के थाना सुरीर इलाके के रहने वाला है। इस सत्यापन के बाद पुलिस के द्वारा उसके परिजनों से संपर्क किया गया और पूछताछ की गई। तो परिजनों के द्वारा बताया गया कि उनका बेटा नशे के आदि था और गुरुवार को उनके बेटे के द्वारा वीडियो कॉलिंग के जरिए परिजनों से संपर्क किया था और वीडियो कॉल पर बात करते हुए उसने परिजनों के सामने ही खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना से संबंधित जो भी प्रमाणित तथ्य प्राप्त होंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। मैं क्षेत्राधिकारी इगलास जनपद अलीगढ़ से अवगत कराना चाहता हूं कि थाना गोंडा क्षेत्र के अंतर्गत एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर मौके पर जाकर जांच की गई तथा अज्ञात व्यक्ति की पहचान कराई गई तो पता चला कि मृतक व्यक्ति थाना सुरीर जनपद मथुरा का रहने वाला है। इस सत्यापन पर उसके परिजनों से संपर्क किया गया तथा उनके परिजनों से पूछताछ की गई तो उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि उनका पुत्र नशे का आदी था और कल उसने वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे संपर्क किया था और वीडियो कॉल पर ही उसने गोली मारकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम में भेजा गया है। जो भी प्रमाणित तथ्य प्राप्त होंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई व्यवहार में लाई जाएगी। मौके पर शांत व्यवस्था से संबंधित कोई भी समस्या नहीं है।